अब देखो, आज से कुछ टाइम पहले बुक सीरीज की ऑथर मार्टिन ने ये रिवील कर दिया था कि हमने इससे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के जिन 6 स्पिन ऑफ शोज को रिव्यू करने के लिए भेजा था, उनमें से कुछ को प्लेटफॉर्म ने यानी कि HBO मैक्स ने रिमूव कर दिया है, हालांकि हमेशा के लिए नहीं। जिसको लेकर वो ये भी कहती है कि भले ही अभी के लिए इनको रिमूव कर दिया गया है, बट आगे चलकर इन पर भी काम चालू होगा। जिसका मतलब अभी भी गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ शोज बाकी है जिन पर HBO मैक्स अभी तक काम कर रहा है। अभी हाल ही में HBO के CEO कैसे ब्लॉइस ने इसको लेकर कुछ बातें भी रिवील की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करती है हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज के पार्ट 2 के बारे में, जिसको लेकर ये बात भी अब लगभग ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि शो का पार्ट 2 आपको मिड 2024 में बड़ी आराम से देखने को मिल जाएगा। एंड अभी के लिए हाईली चांस बन रहे हैं जुलाई या फिर अगस्त के। और जब इसके बाद उनसे पूछा गया गॉड की स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में, तो वो कुछ ये कहे, My philosophy is a good script is the number one priority। यानी कि एक अच्छी कहानी मेरे लिए सबसे पहले महत्व रखती है, एंड यही मेरी फिलोसफी है। मैं इसीलिए इन शोज पर काम नहीं कर रहा हूँ कि ये मुझे एक या फिर दो साल में बनके तैयार चाहिए, बल्कि मैं इसलिए इन पर काम कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी कहानी मिल सके, जिसको पढ़ने के बाद मैं इस शो को क्रिएट करने के लिए अंदर से एक्साइट हो जाऊँ। जिसके बाद वो ये भी कहती हैं कि हमने हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज को भी अप्रूव करने से पहले इस शो पर काफी लंबे टाइम तक काम किया था, काफी सारी स्क्रिप्ट लिखी, बहुत सारे पायलट बनाए, तब जाकर हमें हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज का पार्ट 1 देखने को मिला है। और वही सब काम दोबारा से करने के लिए टाइम तो लगेगा ही, एंड सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट भी। एंड ये सब बातें फैंस को इस बात की ओर हिंट कर देती हैं कि उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज तो देखने को मिलेगी, हालांकि इसमें टाइम कितना लग जाएगा तो अभी के लिए वो तो कन्फर्म नहीं है। क्या पता अभी के टाइम पे ये लोग इनमें से कुछ शोज के पायलट को तैयार कर रही हो। अब पायलट बोले तो पूरे सीरीज या फिर मूवी का एक छोटा सा क्लिप, जो कि इसके मेकर्स को ये समझने में हेल्प कर देता है कि आगे चल के ये शो कैसा बनेगा, जो कि इससे पहले इन लोगों ने गॉड की प्रीक्वल सीरीज द लॉन्ग नाइट के लिए भी क्रिएट किया था, जिसके बनने में लगे थे करीबन $30 मिलियन, एंड उसके बाद उसे कचरे में डाल दिया। यानी कि आसान भाषा में ये सब काम ये लोग पहली बार नहीं कर रही हैं, बस हाउस ऑफ ड्रैगन की तरह एक अच्छी कहानी का वेट कर रही हैं। जैसी मिली ये लोग शो को ऑफिशियली कंफर्म भी कर देंगे। पर तब तक के लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है तो नीचे #JonSnow या फिर #GotSpinoff कमेंट करना मत भूलना।